बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है। ये कराची की सड़कें हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही वीरान है। सारी मार्केटें, दुकानें वगैरह बंद है। ज्वेलरी शॉप्स, कपड़ों की मार्केट है, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। बिल्कुल लॉकडाउन हुआ हुआ है और बहुत सारे लोग घरों तक महदूद हो गए हैं। न काम पे जा सकते हैं, न कहीं बाहर कुछ ख़रीदारी कर सकते हैं, क्योंकि लोग डरे हुए हैं। दोस्तों कोरोना वायरस से पाकिस्तान में भी तकरीबन 700 के करीब लोग मुतासिर हुए हैं, जबकि 3 अफराद अब तक जान बहक भी हो चुके हैं। दोस्तों ये वायरस चीन के शहर वुहान से शुरू हुआ है, जो दुनिया के तकरीबन 170 ममालिक तक फैल चुका है। चीन के अलावा इटली, स्पेन, ईरान, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, फ्रांस, बेल्जियम ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, तो पाकिस्तान भी कोरोना के ज़िद में आ चुका है। और यहाँ मुतासिर होने वाले की तादाद में तेज़ी से इजाफा भी हुआ है और सबसे ज़्यादा सिंध में मुतासिरीन की तादाद है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में बहुत ज़्यादा मुतासिरीन मौजूद है। अल्लाह पाक उनको तेज़ी से शिफा और तंदुरुस्ती अता फरमाए और अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। दोस्तों आप भी गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से परहेज़ कीजिए, एहतियात कीजिए। अपने हाथ और मुंह को साबुन से अच्छी तरीके से धोइए ताकि आप इस कोरोना वायरस से महफूज रह सके। जितनी आप एहतियात करेंगे, अपनी हिफाजत करेंगे, अपने घर वालों की हिफाजत करेंगे, तो ये वायरस जो है इंशाअल्लाह ज़रूर ख़त्म होगा और बहुत जल्द इस पर काबू पाया जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कराची की मशहूर सड़कें हैं, जहाँ पे पैर लगाने की जगह नहीं होती, बहुत ही ज़्यादा रश होता है, तो कोरोना वायरस की वजह से सुनसान पड़ी हुई है और लोग अपने घरों के अंदर बंद हो गए हैं, महदूद हो गए हैं। तो दोस्तों अपनी सफाई का बहुत ख़ास ख्याल रखिए, ख़ास तौर पर अपने हाथों को बहुत अच्छी तरीके से साबुन से कम 15-20 सेकंड तक धोइए और गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से भी गुरेज कीजिए। इसके अलावा मैं दुकानदारों से, ताजरों से अपील करूँगा कि वो अशिया खुदनोश की चीज़ों को महंगी करने के बजाय कम दाम में सस्ती करके बेचें। अल्लाह पाक इसका सिला देगा, आपके कारोबार में बरकत होगी और अल्लाह पाक को हम राज़ी कर सकेंगे। मुखैर हजरात से भी गुजारिश है कि वो गरीबों का ख़ास ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द जो गरीब रहते हैं उनमें राशन वगैरह तकसीम करें। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक कोरोना वायरस का ख़ात्मा फरमाएं और जितने भी इंसान इसमें मुब्तला है, इस वायरस का शिकार हुए हैं, अल्लाह पाक उनको जल्द अज़ जल्द सेहतियाबी और तंदुरुस्ती अता फरमाएँ। दुआ कीजिए अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक कोरोना वायरस का ख़ात्मा फरमाए पूरी दुनिया से और पाकिस्तान से भी इस वायरस का ख़ात्मा फरमाए और जितने भी लोग मुतासिर हुए हैं, जो बीमार हुए हैं, इस वायरस का शिकार है, अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाए। तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मुझे भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।